शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर वोल्टा एक्स रोड हैदराबाद। कातिलों को और साजिशों को फातिमा शादी के कातिलों को और साजिशों को सजा दिलाओ। फातिमा शादी के कातिलों को और साजिशों को सजा दिलाओ। We want justice. 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 मेरी बहन को बहुत बेरहमी से मारे वो लोग, पूरी प्लानिंग के साथ मारे। मेरी भी अब शादी है, मेरे को भी मेरी शादी से डर लग रहा। मेरी बहन को इंसाफ होना और वो लोग बस्ती में नहीं रहना। सब आप लोग हम लोग का साथ दियो, इंसाफ दिलाओ हम लोग को। इंशाल्लाह साथ देंगे भाई। आप बस्ती में है, आप हम लोग के भाई बहन है, प्लीज हमारा साथ दियो। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। आज ये जो नई दुल्हन जो फातिमा शादी थी, वो बच्ची की शादी के बाद ससुराल वाले जो इस पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे, मालूम होने के बाद माँ बाप खुद बस्ती के जिम्मेदारों से रुजू हुए और वो तमाम आकर जो है ना एक दिलासा और भरोसा दिए कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपस में वो लोग सुलह करा दिए। बावजूद इसके वो जो बच्चा जो था ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करने के बाद ये हद तक पहुँच गया कि उसको हद से ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करके बच्ची का कत्ल कर दिया। तो ये माँ बाप जो है ना तकलीफ में हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि बस्ती के नुमाइंदीन जिम्मेदारान आए आगे आकर जो है ना वो नाइंसाफी के ताल्लुक से इंसाफ इंसाफ के लिए वो लोग आगे बढ़ने आगे आने के लिए रुजू हो रहे हैं। और उनके साथ में उनके करीबी बच्चे जा रहा बच्ची शादी से इस तरीके से डर महसूस कर रही। मैंने बेटी सब है वो लोग जो खातिलों को साथदारी दे रहे हैं, वो भी खातिल बन सकते हमारे खातिलों। वो कौन साझदारी दे रहे खातिलों की, अम्मा थोड़ा नाम बताएंगे? कौन है वो, बोल रही मैं आप सबको, सबको अच्छा है। आवाम ये जानना चाह रही है कि वो कौन लोग हैं जो खातिलों का साथ दे रहे हैं। खातिलों को सजा दिलाई है, आप लोग जिम्मेदार है हमारे बच्ची कुछ नहीं मासूम बच्ची जो जो संगातदारी थे जाके हमारे को पैसल बम सब जने आके हमारे को गुजारिश करे उनको बोलने को ना ये नहीं तो नहीं देते थे पैसल बम ये रशी बम सब जने आके हमारे को बोले हम नहीं भेजते थे बच्ची को, हम जिम्मेदार है बोले तो फिर जाए बच्ची को। कौन बोले आखिर आपको ये जिम्मेदार है हम आप भेजिए बोल करके नामा बोलिए? कोई शख्स तो होंगे ना, इंसान तो है ना वो, ये आपको डर लग रहा है नामों से उनकी? सुनने में तकलीफ है जो जिम्मेदार है बोल के कौन बोले आपको, कौन आए थे? क्या फातिमा शादी को इंसाफ मिलना चाहिए? इंशाल्लाह बराबर फातिमा शादी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि फातिमा शादी हमारी बस्ती की एक बहन है और हम तमाम अहलियान बारकस से तमाम भाइयों से जो है गुजारिश करते हैं कि फातिमा शादी के लिए दुआ करें मगफिरत की और उनके हक में जो है उनका फैसला आना चाहिए, क्योंकि फातिमा शादी गुज़िश्ता जो है 40 दिन करीब हो चुके, फातिमा शादी को इंसाफ नहीं मिला और उनके घर वाले जो है रोड पे आ गए। बस्ती के बारकस के तमाम नौजवान से गुजारिश है कि वो आगे आएं और फातिमा शादी के हक़ के लिए फैसले के लिए तमाम मिलकर एक स्टेज पर आके फातिमा शादी के इंसाफ के लिए पूरे आगे बढ़ना चाहिए। आज जो एक साल पहले जो है ऐसा वाक़या, कुछ 1.5-2 साल पहले वाक़या पेश आया था बारकस में और जो है ऐसी बेदारदाना कत्ल हुआ था बारकस में, और वो कत्ल के वाक़े के बाद बस्ती के तमाम लोग इत्तेहाद के साथ
इत्तेफाक के साथ जो है वो बस्ती से उन लोगों को बेदर कर दिए, बस्ती से जो है भिजा दिए थे। आज ये लोग जो आगे जो एक एक जने की हिम्मत बढ़ते जा रही है चीज़ की वजह से, हम तमाम अहलियान भारत से जो है गुजारिश करते हैं और तमाम मीडिया वालों से और तमाम जो है अहदेदारों से, जो जो पुलिस वाले हैं और जो है CM साहब है, कमिश्नर साहब है, तमाम से जो गुजारिश करते कि इस वाक़े का जो है सो भरपूर इसका जो है अमल करे और जो है इसकी तहकीक करे कि जो है क्या चीज़ थी, क्या वजह से ये MP MLA या किसी कमिश्नर या SHO की या किसी बड़े बड़े आदमी की अगर बेटी होती तो फातिमा सादी के साथ ये ऐसा मामला नहीं होता जो हैवानियत और दरिंदगी का बेबाक मुजाहरा रहा। और इस मामले में 40 दिन हो गए, 40वां हो गया चहलम होने के बाद भी आज ये आलम है कि मायूस हैं उनके घर वाले और औरतें बाहर निकलकर इस तहरीक को, इस काम को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जानिब से उन्होंने हमको शर्म दिलाई इस बात पर कि क्या हमारे कौम की हमीयत, हमारे कौम की मर्दानगी, हमारे कौम की हकगोई ख़त्म हो गई। बस्ती बारकस की कौम हकगोई के लिए और इंसाफ के लिए जानी जाती है। अगर ये चीज़ अगर रफ्तार रफ्तार ख़त्म हो जाएंगी तो माशरे में सिर्फ जिंदा लाशें बच जाएंगी। मेरी आप सब लोगों से भी अदबन गुजारिश है कि अदलिया पे पूरा यकीन रखें, साथ ही साथ वहां तक पहुंचने के पूरे रास्ते तैयार करें। पुलिस डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो है ना चंद एक लोग खराब होने से डिपार्टमेंट खराब हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के वो अहदेदार जो जिम्मेदार हैं और जो आपके लिए आपके इंसाफ के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, वहां तक आपको हमको पहुंचना होगा। पूरे वाकयात की सच्चाई रखनी होगी तभी यह मामला होगा। लेकिन आखिर में फिर एक बार यही कहूंगा मैं कि मौजूदा वक्त में जो हालात हो रहे हैं सारी दुनिया में या सारे मुल्क में, हैदराबाद में, इनमें अगर हमारे माशरे के जिम्मेदार लोगों को अगर उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो वो अपने अपने ओहदों से हटें, अपना मुंह वहां पर अपना चेहरा ना दिखाएं, ताकि वो लोग जो उस काम को कर सकते हैं उनको करने का मौका दें, क्योंकि उन लोगों के खामोश होने की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। वेलफेयर सोसाइटी तो आपका साथ नहीं दे रहे, इनकी आवाज से और मैं एक और बात बता रहा हूँ, लोग हमारे ताल्लुक से भी कुछ बातें अहल फैल बोलते हैं, गौरक्षा दल सिर्फ ये करती है जानवर के लिए। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूकात है। हमारा अरब गौरक्षा दल का हमारे ख्याम का मकसद भी ये नहीं था कि हम जो है ना सिर्फ जानवरों की तहफ़ की बात करें। हम फितने और फिसाद से जो नफरत करते तो ये भी बहुत बड़ा फितना है। अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से बढ़के है। तो ये ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसा जो है ना फितना फैलाया गया जिससे कि कौम की बच्चियों का दिल में डर है शादियों के मामले में। इनके जबानों से ये बात आ रही है कि जो है ना नहीं हम शादी नहीं करते क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा आलम हो जाएगा। कौन है इसके जिम्मेदार? क्या हमारे उलमाए कराम जो ऐसी चीजों में खामोश रहेंगे? क्या हमारे मस्जिदों के मीनार और मेंबर सिर्फ और सिर्फ खाली मुजयन करके जो है ना उसको सजा के खाली वहां पर मीठी मीठी बातें करने के लिए है? क्या हमारे कौम के खाली लीडरान खाली फितना और फसाद की बातें या बीजेपी RSS या देशद्रोही देश प्रेमी की बातें करेंगे खाली? क्या हमारे लीडरों को जरूरत नहीं थी कि हमारी कौम की बेटी फातिमा सादी के मरहूमी के उनके घर आकर के उनको पुरसा देते? ऐसी कैसी याददाश्त कमजोर है उनकी? इंशाल्लाह इस चीज के बाद, इस पहल के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर वो तबके का आदमी जाएगा, चाहे वो BJP हो, MIM हो, दूसरी दीगर पार्टियां हो, वो सब इंशाल्लाह जो है ना इसके लिए वो करेंगे। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि दीगर लीडरान भी है उनसे भी जरा पूछें, उनसे भी उनके ख्याल का।